सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर 2021-22 जो कि है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर ऑप्शनल पेपर इनोवेशन इन एजुकेशन। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो फोर्थ पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है, किसी का वैल्यू एंड पीस एजुकेशन होता है, किसी का इनोवेशन इन एजुकेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ करके एक आपका अलग ऑप्शनल पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेपर कोड भी पड़ा रहता है कि कौन सा फोर्थ में कौन से नंबर पर है, ये तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम इनोवेशन इन एजुकेशन 2021-22 2018-17 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी की, तो इसमें ये आपका फोर्थ पेपर है इनोवेशन इन एजुकेशन। टाइम 3 घंटे का रहता है और मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहता है। तो यहाँ पर अगर हम इस पेपर की बात करें तो 21-22 में आपका पेपर जो आया था उसमें 10 प्रश्न दे दिए थे, 5 प्रश्नों को हल करना था और प्रत्येक जो प्रश्न का उत्तर है वह आपको बताना था। इसमें से अगर हम बात करें टोटल 5 क्वेश्चन जो थे आपके, उसमें टोटल तो 10 थे लेकिन 5 अटैम्प्ट करने थे, तो ईच क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा था। तो दोस्तों अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था शिक्षा में नवाचार से आप क्या समझते हैं, नवाचार में आने वाली बाधाओं को शिक्षा के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है, यानी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन इन एजुकेशन। टू द कमिंग इन इनोवेशन हाउ कैन इट बी ओवरकम थ्रू एजुकेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पूछा था एक सामान्य कक्षा को अभिनय कक्षा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, उपर्युक्त तर्क सहित अपनी राय दीजिए, यानी हाउ कैन अ नॉर्मल क्लास बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिंग क्लास, गिव योर ओपिनियन विथ सुटेबल रीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड पूछा था वो पूछा था कि सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों को समझने के लिए चाटवा राकनीक कितनी कारगर है, अपनी मत प्रस्तुत कीजिए, यानी हाउ इफेक्टिव इस चाटवा राकनीक इन अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रेजेंट योर ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शांति निकेतन के शैक्षिक उपागम को स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द एजुकेशनल अप्रोच ऑफ शांति निकेतन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला प्रश्न पूछा था वो पूछा था कि शिक्षा में नवीन विधिक नवाचार प्रयोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब इन डिटेल द न्यू लीगल इनोवेशन एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि सहकारी अधिगम विधियों से आपका क्या तात्पर्य है, शिक्षा में सहकारी अधिगम विधियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए, यानी व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स, डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था कि शिक्षा में किन्हीं 5 जीवन कौशलों की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन यानी 5 लाइफ स्किल्स इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था आपदा प्रबंधन से आपका क्या कार्य है, आपदा प्रबंधन की कुछ तकनीकों का उल्लेख कीजिए, यानी इज योर वर्क विथ डिजास्टर मैनेजमेंट, मेंशन सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था शॉर्ट नोट्स यानी संक्षिप्त टिप्पणियाँ पूछी थी, तो यहाँ पर 2 संक्षिप्त टिप्पणियाँ थी, 3D लर्निंग और टीचर ऑटोनोमी, यानी शिक्षक स्वायत्तता और 3D अधिगम क्या है, ये पूछ लिया था। लास्ट क्वेश्चन 10 पूछा था कि सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में शिक्षा की नवीन तकनीकें क्या हैं, विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग कितना प्रभावपूर्ण है चर्चा कीजिए, यानी व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हाउ इफेक्टिव इज ई लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, डिस्कस। तो इस तरह से आपका ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का था और आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, पूरा पेपर आपका 40 मार्क्स का था। तो कुछ इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड आपका पेपर पैटर्न था 2021-22 का। चलिए देखते हैं 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को।
जो हमारा नेक्स्ट पेपर है इनोवेशन इन एजुकेशन, तो ये बीएड एग्जामिनेशन 2018 का है, यानी 2018 में किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर हम पेपर फोर्थ से देखेंगे। तो टाइम वही 3 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 40 है। यहाँ पर अगर हम बात करें पैटर्न की, तो आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड पूरा पेपर था, यानी टोटल 8 शॉर्ट्स थे, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, इस तरह से 16 मार्क्स का पूरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पर। वहीं लॉन्ग क्वेश्चन आपकी जो है यूनिट वाइज थे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला पूछा था कि नवाचार क्या है, दूसरा शॉर्ट पूछा था कि मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या है, सी पूछा था कि इंटरनेट और शिक्षा, डी आपदा प्रबंधन के लिए शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, विद्या भवन उदयपुर, ये सारे क्वेश्चन आए थे अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सहकारिता अधिगम रणनीतियाँ, शिक्षा में नाटक की क्या उपयोगिता है, ठीक है, यानी व्हाट इज़ इनोवेशन, व्हाट इज़ साइंटिफिक टेम्पर, ये सारे क्वेश्चन पूछे थे। इंटरनेट एंड एजुकेशन, एजुकेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट करके पूछ लिया था, लाइफ स्किल्स एजुकेशन, विद्या भवन उदयपुर, ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे गए थे। जी नंबर का इसी में पूछा था कि व्हाट आर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स के लिए तो उन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम यूनिट वाइज चीज़ों पर आते हैं कि किस तरह से यूनिट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यूनिट फर्स्ट यानी इकाई 1 से 2 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 2 था कि नवाचार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, शैक्षणिक नवाचार के चरणों को स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन। ये आपका 6 मार्क्स का था, चूंकि ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 3 था कि दीवार विहीन कक्षा, कक्ष से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक नवाचार में इस अवधारणा की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट डू यू मीन बाय क्लासरूम विदाउट वॉल्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन एजुकेशनल इनोवेशन। तो इस तरह से यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट करना था आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 था शांति निकेतन के विषय में विस्तार से बताइए, यानी एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट शांति निकेतन। 5 क्वेश्चन था कि शिक्षा में नवाचार में CASE केम, यानी बड़ौदा की क्या भूमिका है इन इनोवेशन इन एजुकेशन, CASE व्हाट इज़ द रोल ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे, पूछा था कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार शिक्षा में नवाचार इस कार्यक्रम के आगे देखते हैं माध्यम से, ठीक है, माध्यम से किया जाता है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आंगनवाड़ी प्रोग्राम, हाउ इनोवेशन इन एजुकेशन इज़ डन थ्रू दिस प्रोग्राम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 था संगी साथियों द्वारा अधिगम और शिक्षण क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज पील लर्निंग एंड टीचिंग, डिस्क्राइब इट्स इम्पॉर्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूनिट 4th, लास्ट यूनिट। यूनिट 4th में 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 था मुक्त विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएँ लिखिए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन यूनिवर्सिटीज, राइट इट्स फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 9 था टेली कॉन्फ्रेंसिंग की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, तो व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग इन एजुकेशन। तो इस तरह से देखिए ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, आपको हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था, और इसी तरह से 8 लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी हाँ ठीक है, 8 लॉन्ग क्वेश्चन थे, आपको 4 अटैम्प्ट करने थे, और यहाँ पर कंपलसरी पार्ट शॉर्ट था, तो शॉर्ट तो आपको अटैम्प्ट करना ही था, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। इस तरह से पूरा पार्ट अगर हम बात करें इनोवेशन इन एजुकेशन, तो 40 मार्क्स का पूरा पेपर था 2018 की प्रीवियस ईयर में। अब अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं, 2017 के पेपर को देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पेपर था वो है बीएड एग्जामिनेशन 2017 इनोवेशन इन एजुकेशन। तो यहाँ पर 2017 की बात करें तो 2017 में जो पेपर पैटर्न था बिल्कुल 2018 की तरह था, यानी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर याद रखिएगा
ये 12 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 है। तो ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था और इस तरह से 8 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, टोटल 16 मार्क्स का पूरा पार्ट था, ये कंपलसरी पार्ट था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए था आत्म अनुभूति क्या है, बी था शांति निकेतन की विशेषताएँ लिखिए, सी था भूमिका निर्वाह क्या है, ई था आपदा प्रबंधन के उपाय स्पष्ट कीजिए, नेक्स्ट स्वयं के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, फिर है जी पॉजिटिव पेरेंटिंग यानी सकारात्मक लालन पालन क्या है, एस था पेपरलेस कक्षाओं यानी कागज रहित कक्षाओं की विशेषताएं बताइए, फिर है टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी दूर सम्मेलन की विशेषताएं। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी है कि व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन राइट द फीचर ऑफ शांति निकेतन, व्हाट इज रोल प्लेइंग, ये सारे क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द मेजर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कि आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस, आते हैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस पर, किस तरह से यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 था यूनिट फर्स्ट से नवाचार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, तकनीकी वैज्ञानिक तथा सामाजिक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए नवाचार के क्षेत्र तथा आवश्यकता को संक्षिप्त में बताइए, यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन कीपिंग इन व्यू द टेक्निकल साइंटिफिक एंड सोशल चेंज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्कोप एंड नीड ऑफ इनोवेशन। तो इस तरह से ये जो है टोटल 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में पूछा था कि नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को संक्षिप्त में लिखें, इन बाधाओं को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, यानी राइट इन ब्रीफ द ऑब्स्टेकल कमिंग इन द वे ऑफ इनोवेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिमूविंग दीज बैरियर्स। उसके बाद ये हो गया, ठीक है, यूनिट फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट यूनिट 2 और यूनिट 1 से ये 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 में भी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 था कि समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए, समावेशी शिक्षा में नवाचारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यानी स्टेट द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनोवेशंस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी में 5 था वनस्थली विद्यापीठ के विषय में विस्तार से बताइए, यानी एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वनस्थली विद्यापीठ। तो यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं और यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि सहकारी अधिगम को परिभाषित कीजिए, सहकारी अधिगम की विशेषताओं तथा महत्व पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए, यानी डिफाइन कोऑपरेटिव लर्निंग ब्रीफली थ्रू लाइट ऑन दी करेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था कि जीवन कौशल क्या है, प्रमुख जीवन कौशलों का संक्षिप्त में वर्णन, यानी व्हाट आर लाइफ स्किल्स। उसके बाद आगे दिया है ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर लाइफ स्किल्स। तो इस तरह से ये था यूनिट 3 से क्वेश्चन। लास्ट यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन है, ई लर्निंग को परिभाषित कीजिए, ई लर्निंग के विभिन्न प्रारूप तथा शैलियाँ, यानी डिफाइन ई लर्निंग डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग। इसी में क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था कि शिक्षक स्थान क्या है, शिक्षक स्थापना के महत्व तथा उसके प्रभाव प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षिप्त में बताइए, यानी व्हाट इज टीचर इस्टेब्लिशमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो दोस्तों इस तरह से ये ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, आपको हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। और यहाँ पर हमने 2021-22 2017 और 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के बात की, आपने देखा कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं बस आप उनको लास्ट टाइम पढ़ लीजिए, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको दिक्कत लग रही है पेपर में एक्सप्लेनेशन और चीज़ों से, तो इन जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनके जो आंसर हैं उसको एक दिन एक वीडियो में कवर करा दिया जाएगा, यानी एक ही दिन में सारे क्वेश्चन के आंसर जो है एक ही वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे, तो आप वहां से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।